दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है किर्गिस्तान, एक ऐसा खूबसूरत देश जो लगभग पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और आज जब मेरे सफ़र को शुरू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, मैं हूँ इस वक्त जिर्गलान में, एक छोटा सा गांव एक बहुत ही खूबसूरत घाटी में। फिलहाल मैं अपने एक नए नए दोस्त के साथ पहुँच गया हूँ एक पहाड़ के ऊपर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैकिंग के कुछ खास टिप्स जो मैंने भी अभी अभी सीखे हैं। और इसके अलावा सबसे ख़ास बात, मेरे ट्रैकिंग पार्टनर जो अपनी पार्टनर के साथ कई महीनों पहले निकले थे स्विट्ज़रलैंड से, बिना फ्लाइट पकड़े दुनिया के कई देश अभी तक घूम चुके हैं और आगे भी घूमने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये है आज के वीडियो में। अरे हाँ, इस वीडियो को शूट करते हुए मैंने अपने कैमरा के बारे में भी कुछ खास बातें शेयर की हैं जो आपको कोई भी नया कैमरा लेने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो हुण देखो आज का वीडियो। बड़े अच्छे नोट पर हमारा ये हाइक ट्रिप शुरू हो रहा है, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, और सबसे खास बात वेदर आज का मस्त है। थैंक यू। हाउ डू से कॉन्ग्रेचुलेशंस इन जर्मन? ख्याल रखें, कचरे को अपने साथ ही ले आएँ वापस, और जहाँ पर प्रॉपर जगह हो उसको वहीं पर फेंकें। वो जो पॉलिश कपल है वो ये बता रहे थे कि ये ट्रैक बड़ा आसान है ये वाला, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा टफ है। उम्मीद है कि हम पीक पे पहुँच रहे हैं, हमें इसके और आगे नहीं जाना चाहिए। वाओ वाओ वाओ, यस, वी आर ऑन द पीक। वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक। Yes. So we made it. Actually, and I really appreciate and thanks. You actually kept waiting for me. You could have come here. Thank you so much for that. मानने पर अब हम निकल रहे हैं वापस नीचे। ओके, maps.me से चेक कर रहे हैं भाई साहब। ओके, सी द रिज इज क्वाइट, सो वी एक्चुअली केम फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, एक रास्ता ये रिज वाला है इस तरफ, और एक यहाँ से हम सीधे भी जा सकते हैं, बट ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और उतरते हुए यहाँ पिंडलियों में ना थाइज़ में बहुत पेन होता है, तो मुझे लगता है कि हम इस रिज वाले रास्ते को लें तो शायद अच्छा रहेगा। वैसे भाई साहब, खूबसूरती देखने लायक है, मन नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का, बस यही है कि अंधेरा हो जाएगा फिर पहुँचने में। आज पहली बार एक बात है, मतलब एक रिज का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको उत्तराखंड में और हिमाचल धार होते हैं। अभी हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल या दूसरे पहाड़ी लोगों के लिए एक सवाल है, ध्यान से सुनिए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि क्या जो मैंने कहा वो सही है, मतलब इस तरह की जो रिज होती है, रिज क्या इसको आप लोग धार बोलते हैं? और ये भी मतलब स्टीप है, वैसे मुझे ध्यान यहाँ की वजह यहाँ देना चाहिए। I don't know why my nose starts running and it becomes very hard for me to breathe properly. Do you also face the same problem? No. Okay. While climbing it was very hard for me to breathe because every time I breathed it was बार बार मेरी नाक बहे जा रही है अभी भी, और इसकी वजह से सांस पूरी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा था मैं। वाह, कितना गहरा है, देखो जरा। कैनन G7X Mark II कैमरा है तो वैसे बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रैवल वीडियोस को शूट करने में अक्सर मुझे ये दिक्कत आती है,
बार बार मुझे इसके फ्रेम में देखना पड़ता है कि मैं इसमें दिख भी रहा हूँ प्रॉपरली या नहीं, जैसे अब फिलहाल मैं देख रहा हूँ। और इस वक्त चलते हुए मैं रिज पर चल रहा हूँ और मुझे बार बार फ्रेम में चेक करना पड़ रहा था, तो इसका जो वाइड एंगल नहीं होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है ट्रैवल वीडियोज़ को शूट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस वक्त मैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा हूँ, मेरा सिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जबकि GoPro के साथ जब मैं शूट करता हूँ तो एक बहुत वाइड एंगल क्योंकि उसमें अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेम में नज़र आती हैं। यही रीज़न है कि मैं इस कैमरा को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ अपने ट्रैवल वीडियोज़ को शूट करने में। वैसे इस कैमरा के अलावा मैं और कौन कौन से कैमराज यूज़ करता हूँ ये मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने तमाम ट्रैवलिंग गियर्स, जिसमें मेरा सारा कैमरा सेटअप, माइक, मेरे कपड़े कौन से यूज़ करता हूँ मैं यूजुअली, कौन सी जैकेट्स, कौन से जूते, क्या क्या, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने उस वीडियो में शेयर की हैं जो मैं ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करता हूँ। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ में स्क्रीन के ऊपर शायद फ्लैश भी हो रहा होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है बट यूनिवर्सल अडाप्टर है, ये ज़रूर अपने साथ में रखें जब भी आप विदेश जाते हैं। I'm really looking forward to watch your YouTube. This video? I know. मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो Canon G7X स्मार्टफोन है, इसका जो इसकी बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। मगर मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी स्पेयर बैटरी है, मेरे पास मेमोरी कार्ड्स भी हैं। बेशक ये बहुत ही बेवकूफ़ी बड़ी भरी हरकत है, मतलब बेशक ये कोई वजह नहीं है, अरे कहाँ चले गए, अच्छा वो रास्ता है वहाँ पर, बेशक ये कोई वजह नहीं है इतना खुश होने की, लेकिन मेरा जो GoPro है वो क्योंकि 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, उसकी कंपैरिजन में ये बड़ा अच्छा चला आज। और फिर एक स्पेयर बैटरी भी है, आराम से वो भी शायद 20-25 मिनट आराम से निकाल देगी। अच्छा रहा आज का दिन, बहुत अच्छा लगा। ओ, मुझे लगा कोई आ गया। ये जो रास्ता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा संकरा है और वो कह रहे हैं कि थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, तो मैं फ़िलहाल ये अपना कैमरा बैग में रखता हूँ और इसको शूट नहीं करूँगा मैं। यहाँ से नीचे आ रहा हूँ मैं, गिरा तो नहीं, फिसला थोड़ा सा। अगर आप ट्रेन नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए इसको, और कॉन्फिडेंस ना हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेशक वापस चले जाओ ऊपर, दूसरे रास्ते से नीचे आ जाओ। Shouldn't be good this side. Actually, I'm not sure because if you want to follow the path, right, we should go here. Okay. But maybe it's faster here, but we are not sure how. This leads to the lake. Yes. And this is going towards the village. Okay. And if yeah, I'm. Maybe let's try. Yeah. It's quite an adventure. It is. And this was a highlight. वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था इन जनाब का जो इस वक्त मेरे साथ चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये हैं लिवियो जो स्विट्ज़रलैंड से हैं और चले थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो ये दोनों इस वक्त दुनिया को बहुत ही अनोखे अंदाज में घूम रहे हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अगले हिस्से में बताया है। इनफैक्ट लिवियो खुद बता रहे हैं कि इनके ट्रैवलिंग का अनोखा तरीका है क्या। खैर, चलते चलते हंसी मजाक करते हुए हम पहुंचे ये सामने वाले एक जंगल की तरफ, और इस जंगल को देखते ही मेरे अंदर घुस गई बेयर ग्रिल्स की आत्मा। सारे सर्वाइवल टिप्स एक साथ याद आने लगे, हालांकि इनमें से कुछ काम के भी हैं। इस जंगल से गुजरते हुए कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप कहीं ट्रैकिंग पर कहीं जाते हैं तो। राइट, हम लोग एक्चुअली चलते चलते थोड़ा सा इन पेड़ों के अंदर से निकलेंगे, अब टाइम है हमारे पास, उजाला काफ़ी है और बहुत ज़्यादा दूर है नहीं जिरगलान से। अभी जनाब ने देखा था करीब 3.8 किलोमीटर दूर है हमारा लक्ष्य, हमारा रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस जो भी है वो। शैल वी गो दिस साइड, यू नो आई कैन सी अ ट्रैक, देयर इज अ स्मॉल पाथ हियर। या बी केयरफुल। या नहीं तो ये बड़ी बीमारी है इस फ़ोन में ना, सॉरी इस
कैमरा में बार बार देखना पड़ता है इसका वाइड एंगल नहीं होने की वजह से. इट्स ऑल मदी. ओके तेरी ऐसे की तैसी. अब आ रहा है जी सेवन एक्स मार्क टू में मज़ा. लो लाइट उसका गजब है. बट देर इज नो वे. Thank you very much. how high do you estimate your chances of getting lost? To survive this trip. Definitely 99%. We are going to make it. Actually, क्या था ऊपर से ना ये जो पेड़ों का ये जो झुंड सा है झुरमुट है ये बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था तो पता था कि एक बार इसमें अगर घुस भी जाते हैं तो उसमें भटकने के चांसेस कम हैं क्योंकि एक बार आप अगर डायरेक्शन की ओरिएंटेशन लूज़ कर देते हैं यानी दिशा भ्रमित हो जाते हैं यानी हिंदी में बोलूँ तो अगर थोड़ा सा आप डायरेक्शंस की समझ थोड़ी सी अगर लूज़ हो जाती है तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है ऐसी जगहों पर जहाँ थोड़ी घनी हो जैसे मौसम ख़राब हो जाता है बारिश में धुंध में जंगल में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ. ऐसे में लॉस्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं. तो जनाब बताना ये है आपको कि अगर आप हाइकिंग करने जाते हैं या ट्रैकिंग करने जाते हैं तो आप खो ना जाएं तारे ज़मीन पर. तो आप खो ना जाएं ज़रूरी है. नंबर वन उस एरिया का अच्छे से रेकी कर लें. रेकी मतलब थोड़ा रिसर्च कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर से देख लिया था कि ये जो जंगल है पीछे ये वाला ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम आराम से सीधे निकलते जाएंगे तो उसको क्रॉस कर लेंगे. अब फिर से वो नज़र आ रहा है एक और जंगल जैसा तो उसको भी हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं बिकॉज हमें नज़र आ रहा है उस तरफ मैदान है. तो हम अगर जंगल में थोड़ा सा भटक भी जाएंगे तो सूरज की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम मैदान की तरफ पहुंच जाएंगे. और एक बार मैदान पे पहुंच जाओ तो अंधेरा अगर नहीं है धुंध बारिश जैसी चीज़ें अगर नहीं है तो आप आराम से किसी सेफ जगह पर पहुंच सकते हो. लेफ्ट घुटने में बहुत भयंकर दर्द है. ये लेफ्ट घुटना पेन है. आई कैन सी दीज ट्रैक्स ऑफ रोडिंग व्हीकल सो इफ द कार कैन कम देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक. पहियों के निशान नज़र आ रहे हैं SUV के ऑफ रोडिंग के तो इसका मतलब ये है कि हम अब सही रास्ते पर हैं. अगर हम इसको फॉलो करते करते नीचे की तरफ जाते रहें तो ज़रूर हम कहीं ना कहीं किसी गांव में पहुंच जाएंगे क्योंकि वो जो कार है कहीं ज़रूर किसी गांव से निकली होगी. We are only 300 meters from the path on Maps Point Me. ओके बढ़िया बढ़िया. हम Maps Me के एप्लीकेशन पे जो मार्क किया हुआ लूप है ना इस ट्रैक को हाइक को करने वाला हम वहाँ पर पहुँच गए हैं. सिर्फ 300 मीटर दूर रह गया वो. No, it's 260 meters. 260 meters. 250. We are getting closer. Oh, right. अंधेरा होने से पहले एक सेफ जगह पर जरूर पहुंच जाएं और उसके लिए ये फिक्स कर लें कि आप चढ़ने में कितना टाइम लगाएंगे और उतरने में कितना. ये आप लोकल से पूछ सकते हैं अगर किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो. वेरी मडी. वेरी मडी. ओके या यू आर डूइंग वेल स्ट्रॉन्ग मैन. पूरी सड़क गला सूख गया. जनाब शाम के 5 बज रहे हैं. प्लान तो यही था कि हम 5 बजे पहुंच जाएंगे
अपने अड्डे पर, लेकिन 5:15 बज गए एक्चुअली, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। गांव यहाँ से साफ नज़र आ रहा है हम दोनों को, और हम सड़क पर हैं इस वक्त। मतलब अब कोई अगर बेवकूफ़ी होगा यहाँ से भी कोई भटक जाए तो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज ही केप्ट वेटिंग फॉर मी बिफोर द समिट। थैंक यू एंड आई रियली एंजॉयड योर कंपनी। अब मैं आपको ये बताता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा। सो आई एम अगेन सो सॉरी टू आस्क यू व्हाट इज योर नेम। लिवियो। लिवियो। सो लिवियो और उनकी गर्लफ्रेंड, व्हाट्स हर नेम? अन्या। अन्या, लिवियो और अन्या ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। सो यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months? यस, इन टोटल आवर जर्नी टेक्स 6 months, सो थ्री मोर मंथ्स टू गो। यू वांट टू हिचहाइक? रियली? या, लेट्स डू इट। ओके। मुझे धूल से नफरत है। डस्ट, आई एम एलर्जिक। ठीक है, 6 महीने ट्रैवल करेंगे, 3 महीने कर चुके हैं, 3 महीने और हैं। और ख़ास बात यह है इनके सफ़र में कि ये फ़्लाइट्स नहीं ले रहे हैं, बिना फ़्लाइट के ये ट्रैवल करने वाले हैं सारी कंट्रीज़ को। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है इसलिए इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी ज़रा से भी दिलचस्पी है लिवियो के रूट को जानने में तो आप देख सकते हैं मेरे बिहाइंड द सीन्स वीडियोस। मैं अक्सर इस तरह के बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर करता हूँ अपने चैनल के मेंबर्स के लिए। अगर आप भी मेंबर बनना चाहें तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। हर वीडियो के नीचे एक लाल रंग का ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करिए, और आपको उसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है हर महीने, सिर्फ 100 रुपये के आसपास में है। लेकिन आपका ये छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे चैनल को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो जनाब ये है इनकी कहानी। इतने सारे देश और सारे के सारे देश ये घूमने वाले हैं सिर्फ फेरी से और ओवरलैंड क्रॉस करके, यानी ऐसी ज़मीन से क्रॉस करेंगे बॉर्डर को। इनका क्या मानना ये है कि हम अपने इस सफ़र को बिना फ़्लाइट्स के करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स से ट्रैवल करने में बहुत बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये चाहते हैं कि इनकी इस यात्रा से कुछ भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और इन जैसे बहुत सारे घुमक्कड़ हैं अलग अलग देशों के, अकेले किसी के साथ, जो घूमते हैं इस तरीके से। हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, मेरा बहुत मन है ऐसा करने का, बट वही हम एक तरफ से घिरे हुए हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ घिरे हुए हैं चाइना से। भूटान और नेपाल है ज़रूर, पर उसके उस पार भी चाइना है। इस तरफ म्यांमार है, वो बहुत लंबा रास्ता हो जाता है फिर, म्यांमार थाईलैंड चाइना वाला। काश पाकिस्तान से हमारे लिए आना जाना बहुत आसान होता, तो पाकिस्तान ईरान होकर हम लोग, मतलब दुनिया का पूरा दरवाज़ा खुल जाता हमारे लिए। नेपाल से चाइना होकर हम निकल जाते, काश ऐसा होता। मेरे मन में बहुत ज़्यादा है कि बिना फ्लाइट के ट्रैवल कर सकूं। पैसे बचते हैं भाई, इतना सस्ता पड़ता है। तो जनाब अगले वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा लिवियो की गर्लफ्रेंड से। हम तीनों ने मिलकर इस गांव में एक सोवियत जमाने की कोयला खदान देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसके बाद हुई एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, हमें एक इन्विटेशन मिला था, एक बुजुर्ग ने चाय के लिए बुलाया था, और उनका घर ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए किसी और के घर में चाय पीने के लिए। ये सारी की सारी बातें अगले वीडियो में। खैर अभी लिवियो आपको कुछ और बताने वाले हैं, तो देखते रहिए प्लीज। ये है इनकी कहानी। लिवियो, डू यू वांट टू से समथिंग? या, इट वाज अ प्लेजर फॉर मी टू मीट वरुण। वरुण? या, टू मीट वरुण। आई वाज वेरी हैप्पी टू मीट अनदर वेजिटेरियन। हां, या ये वेजिटेरियन है ये, इनफैक्ट ये वीगन है। वीगन मतलब जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाते। इनका मानना ये है कि उसमें भी हम जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो दूध बेसिकली गाय के बच्चे के लिए है, बछड़े के लिए है, जो कि हम इंसान पी जाते हैं। बहुत सारी इस पर बहस हो सकती है, हम इस पर बात अब नहीं करते हैं। yeah, it was a cool day and I'm looking forward to watching this video.